सो आज मैं खुद की ही एक स्टोरी लेके आई हूँ जहाँ पे मैंने एक ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट करी जिसके लिए मैंने कोई टेक्निक्स नहीं यूज़ करी थी। मैंने बस यूनिवर्स को एक बार कमांड दिया था कि मुझे ये चीज़ करनी है। एक्चुअली एक बार नहीं, दो बार, जस्ट ट्वाइस आई मेड अ कमांड। मैंने विश किया वो चीज़ के लिए कि आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग। इतनी सी लाइन बोली मैंने कि मुझे ये चीज़ करनी है, एंड यूनिवर्स ने मुझे वो लाके दिया मेरे लाइफ में, वो अपॉर्चुनिटी वो चीज़ करने के लिए लाके दी। अभी वो चीज़ क्या है वो आगे के वीडियो में आपको पता चलेगा, एंड उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टिप्स जो आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आपको हेल्प करेंगे वो भी पता चलेंगे। तो कोई भी पार्ट मिस मत करना, पूरी स्टोरी मेरी अच्छे से सुनना, एंड तक देखना, बिकॉज इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। सो लेट्स बिगिन। सो कहानी शुरू होती है 2 महीने पहले से। लगभग 2 महीने पहले मेरी एक फ्रेंड ने, जिसको मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करती हूँ, उन्होंने एक स्टोरी रखी थी कि वो एक ना ऐसे पॉटरी क्लास ले रही है, जो वो मटका बनाता है ना मिट्टी का, पॉटर जो होते हैं उनके वहां से वो मटका बनाना सीख रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। एक्चुअली वो एक थेरेपी की जैसे सीख रही थी कि कुछ मतलब नया करे, सो दैट उनकी लाइफ में कुछ ट्रॉमा हो गया था वो उससे बाहर निकल पाए, थोड़ा सा हील हो पाए। एंड दिस इज अ वेरी नाइस वे टू कम आउट ऑफ एनी ट्रॉमा या कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लाइफ में हो जाए जिसमें हम स्टक हो जाते हैं, जिसमें से हमारी एनर्जी, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स बाहर नहीं आ पाते। तो हमें कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चीज करनी चाहिए, सो दैट एकदम से एक शिफ्ट होता है, एनर्जी शिफ्ट होता है। अगर आप लोगों को भी कोई ऐसा स्टक सिचुएशन है ना कि जिसमें से बाहर ही नहीं आ पा रहे, तो जस्ट ऐसी चीज कोई सोचिए जो आपने कभी नहीं करी या बहुत ही डिफरेंट एकदम, लाइक हो सकता है बंजी जंपिंग या स्कूबा डाइविंग। चलो ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हो गई, ऐसे पॉटरी क्लास जैसी छोटी नॉर्मल चीज़, लेकिन जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं हो कि ये क्या है। ऐसी कोई चीज़ आप सोचो एंड करो, एक ट्रेमेंडस सा एनर्जी शिफ्ट होगा। तो वो एक्चुअली मैंने स्टोरी देखी मेरी फ्रेंड की, उन्होंने स्टोरी डाली थी कि वो एज अ थेरेपी वो पॉटरी क्लास में सब बनाना सीख रही है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार ये तो मस्त है यार, मुझे भी करना है। तो आई जस्ट सेड, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ही बैठे थे बाजू में, और मैंने उनको बोला कि मेरे को भी करना है यार। एंड वो फोटो देख के मैंने खुद को भी वापस बोला कि ये तो मुझे भी करना है यार, एंड देन इट वॉज इट। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी आ गई और मेरा ध्यान इमिजिएटली नेक्स्ट स्टोरी में चला गया, एंड somehow आई forgot अबाउट इट। फिर थोड़े दिन बाद ये हुआ, 10-15 दिन बाद एक और मेरी एक फ्रेंड ने एक स्टोरी अपलोड की जहाँ पे वो और उनके फियांसे मिल के वो एक पॉटर के वहाँ पे मटका बना रहे। एक्चुअली वो लोग एक फोटोशूट करवाने गए थे और वहाँ पे वो लोग ऐसे मटका बना रहे थे दोनों जन मिल के, एंड वो देख के मुझे फिर से ऐसा हो गया कि यार ये तो मुझे भी करना है। अगेन आई सेड टू माय सेल्फ कि ये मुझे भी करना है। एंड देन कट टू लास्ट मंथ, अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं घूमने गई थी राजस्थान, पुष्कर, जयपुर, ठीक है, सब जगह घूम रही थी। सो वहाँ पे हुआ यूँ कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे चोखी धानी। चोखी धानी एक बहुत ही अमेजिंग विलेज रेस्टोरेंट है जयपुर में, मतलब वो सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, इतनी बड़ी एरिया में स्प्रेड किया हुआ, पूरा थीम पार्क जैसा है, पूरा विलेज टाइप सेटअप तो है ही, बट साथ में जो हमारे हिस्टोरिकल फाइट्स थी, जो पद्मावत मूवी में बताए हुए ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, जो हमारी स्पेशल प्लेसेस है लाइक हरिद्वार है, गंगा का घाट है, वो सब, तिरुपति बालाजी मंदिर है, उन सब के छोटे छोटे सेटअप जैसे करके रखे हैं वैसा ही रिक्रिएट उस जगह पे करके रखा है। बहुत ही बड़ा सा अमेजिंग सा प्लेस है, वहाँ पे हमने डिसाइड किया जाने का, एंड मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली सब वहाँ घूमने गए। एंड घूमते घूमते वहाँ मैंने डिसाइड करके गई थी कि मुझे एलिफेंट पे बैठना है, मुझे कैमल पे बैठना है, एवरीथिंग डिसाइड करके गई, ये करूँगी वो करूँगी, जितनी चीज़ें मुझे उसके बारे में पता थी। एंड हम गए अंदर, घूम रहे थे, मैजिक शो था, खाया पिया, थोड़ा सा शॉपिंग किया, अंदर चलते चलते एकदम से मेरी नज़र पड़ी कि एक आदमी एक साइड में बैठ के मटके बना रहे। मैंने तुरंत मेरे हस्बैंड को देख के बोला कि लेट्स गो देयर कि वो क्या कर रहे हैं, लेट्स सी। एंड जाके देखा तो उन्होंने बोला कि आप अगर बनाना चाहते हो तो मैं आपसे बनवाऊंगा। वो वहाँ पे स्पेशली छोटा छोटा इवेंट्स जैसे सेटअप किया होता है ना, एक पूरा विलेज बनाया, तो विलेज थीम जैसा बना के रखा है, एंड उसकी वजह से वो पॉटर को भी उन लोगों ने वहाँ बिठाया था कि कोई अगर बनाना चाहे तो आप इनके हाथ से बनवा सकते हैं, थोड़ा सा उनको सिखा के। एंड वॉट नेक्स्ट, वट डू यू थिंक? ऑफकोर्स मैंने वो पॉट बनाया, एंड उसका जो वीडियोज फोटोज है वो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ।
इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस फॉर मी कि बिना सोचे, बिना यू नो प्रिपेयर किए, बिना कुछ भी मतलब टेक्निक यूज़ किए, आई जस्ट विश्ड फॉर समथिंग विद अ प्योर एंड ओपन हार्ट, एंड बिकॉज माई एनर्जी एंड वाइब्रेशंस वर हाई, इट जस्ट केम इन टू माई लाइफ लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट. मैं इन्जॉय कर रही थी. वो चीज़ कब आई मेरी लाइफ में? जब मैं इन्जॉय कर रही थी, वन आई वॉज हैप्पी, अ थिंग केम दैट वुड मेक मी मोर हैप्पियर. तो यहाँ से जो फर्स्ट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, ये जो मेरी मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी है, उसमें से यही है कि जब आपके वाइब्रेशंस हाई होते हैं ना, जब आप खुश होते हो, जॉयफुल होते हो, मज़े कर रहे होते हो लाइफ में, उस टाइम आपकी जो भी डिज़ायर होती है ना, जो भी आपने कभी एक बार भी सोचा हुआ है लाइफ में कि ये चीज़ मुझे करनी है या ये चीज़ करके मुझे अच्छा लगेगा, दैट विल लिटरली अपेयर इन टू योर लाइफ. आपके कुछ करे बिना वो चीज़ आपकी लाइफ में अपेयर हो सकती है. बट द बेसिक रूल इज़ कि आप एक्चुअल में दिल से खुश होने चाहिए. अगर हम लैक की फ्रिक्वेंसी में होंगे कि मुझे चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, सिर्फ उस चीज़ के लिए लैक नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट मैनिफेस्टेशन का लैक, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ में कोई भी चीज़ को लेकर लैक. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, बट अगर आप पार्टनर को लेकर तो पॉजिटिव हो, हाँ आई एम ब्यूटिफुल एंड आई एम दिस एंड आई एम दैट एंड एक परफेक्ट पार्टनर मेरी लाइफ में आएगा, बट आप के अंदर लैक की फीलिंग है रिलेटेड टू योर करियर, कि मैं कितनी भी मेहनत करूं, मेरे को सक्सेस ही नहीं मिलती है, मैं पास ही नहीं होती हूं, इट इज़ एनफ टू यू नो पुश अवे योर मैनिफेस्टेशन, बिकॉज आपकी एनर्जी तो भले कोई और रीज़न की वजह से है तो ऐसी लैक वाली कि आपकी लाइफ में कोई कमी है, कुछ अच्छा नहीं है, आप खुश हो, राइट? तो ऐसी खुश करने वाली चीज़ कैसे आ जाएगी लाइफ में? तो बेसिक रूल इज़ कि आपको हमेशा एक ऐसे हाई वाइब्रेशन में, जॉयफुल स्टेट में रहना है ना. कोई भी चीज़ आप जो चाहते हो वो आपकी लाइफ में है कि नहीं है, बट स्टिल यू आर सो हैप्पी एंड जॉयफुल इन द प्रेजेंट मोमेंट. आप इतने माइंडफुल हो, इतने जॉयफुल हो आज में, अभी में, जो आपको दूसरी चीज़ें मिल रही है उसमें. मुझे जो दूसरी चीज़ें मिल रही थी कि मुझे घूमना मिल रहा था, मुझे यू नो वहाँ पे एलिफेंट्स कैमल्स देख रहे थे, आई वाज सो हैप्पी इन दैट, कि ऐसी चीज़ which would make me even more happier that appeared because meri aur us cheez ki frequency match hui. Just think ki wo potter ke paas wo matka bana ke mujhe kitni khushi mili hogi. Now the second tip I would like to give you is please give time. Agar aap koi bhi cheez chahte ho life mein to usko leke you know rigid mat ho jao ki mujhe ye cheez abhi itne time mein hi chahiye. Aapki life jo hai na वो आने वाले एक हफ्ते, एक महीने या एक साल की ही नहीं है. योर लाइफ इज़ फॉर एवर, सो यू वॉन्ट टू बी हैप्पी इन फॉर एवर. आई एम नॉट टेलिंग कि डेडलाइंस रखना गलत है, एक्चुअली गोल्स, डेडलाइंस, टारगेट्स होने ही चाहिए, बट अगर कोई चीज़ वहाँ तक नहीं होती तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई ऐसा नहीं सोचना है. जस्ट गिव इट अ लिटल मोर टाइम एंड इट्स ओके. मैंने कोई चीज़ डिज़ायर करी एंड इट केम टू मी, इतनी छोटी सी चीज़, एक मटका बनाने जैसी छोटी सी चीज़ मेरे पास एक या दो महीने में आई. शायद मैं कुछ टेक्निक्स यूज़ करती और पॉजिटिव रहती तो वो 15 दिन में आती, बट स्टिल इट वुड टेक 15 डेज, राइट? वो चीज़ प्रकट नहीं होती. तो जब तक वो चीज़ आती नहीं है तब तक हमें हाई वाइब्रेशंस में तो रहना ही है फर्स्ट टिप की तरह, बट सेकेंड टिप की तरह उसको एक्चुअल में टाइम देना है. मे बी वो आपकी डिज़ायर से, आपकी अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा टाइम ले रहा है, बिकॉज आपकी एनर्जी उतनी हाई नहीं है जितनी वो चीज़ के मैनिफेस्ट होने के लिए चाहिए. सो इट्स ओके, खुद को भी प्रेशराइज मत करो कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही. इट्स ओके, यू आर एटलीस्ट ट्राइंग एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. सो जस्ट स्टॉप आस्किंग फॉर क्विक रिजल्ट्स, ओवरनाइट रिजल्ट्स. क्यों जिंदगी कल के दिन में ही, ओवरनाइट नहीं है. आई ऑलवेज से दैट योर लाइफ इज़ फॉरएवर. बहुत ही ब्यूटीफुल, पूरी हमारी लाइफ ब्यूटीफुल होनी चाहिए, सिर्फ एक हफ्ता या एक महीना नहीं. तो उतना टारगेट स्पेसिफिक इतना मत हो जाओ. गिव योरसेल्फ टारगेट्स बट बी फ्लेक्सिबल, कि अगर वो वहाँ तक नहीं हुआ बट आपको थोड़ा प्रोग्रेस भी लग रहा है, प्रोग्रेस इन द सेंस कि वो चीज़ भले मैनिफेस्ट नहीं हुई बट आपके वाइब्रेशंस अच्छे होने लगे कि आजकल आप खुश महसूस करते हो, दैट इज़ ऑल्सो प्रोग्रेस. दैट इज़ द थिंग कि एक्चुअली बैक स्टेज पर काम चल रहा है. थर्ड एंड द लास्ट टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज़ बिलीव इन द इम्पॉसिबल. क्योंकि अगर मेरा कॉन्शियस माइंड मैं चलाती, मेरा रैशनल वाला माइंड चलाती और यू नो मैनिफेस्ट करती उस चीज़ को, वो मटका बनाने की चीज़ को मैं मैनिफेस्ट करती तो कैसे मैनिफेस्ट करती? आई वुड से आई वुड मैनिफेस्ट कि आई एम टेकिंग अ पॉटरी क्लास इन नेक्स्ट वन मंथ, एक महीने के अंदर मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि मैं वो मटका बना रही हूँ, मैं क्लास में मिलने गई हूँ, मैं विजुलाइज भी ऐसा करूँगी कि मैंने बहुत सारे क्लास वालों को मिली, मैंने वहाँ पर जाके मटका बनाया. मेरे ब्रेन में ये आता ही नहीं कि फ्री में ही कोई सामने से आएगा और मुझे बोलेगा लो मैडम मटका बनाओ, ठीक है? क्योंकि हमारा
रैशनल दिमाग में जितनी इंफॉर्मेशन है उतना ही वो एनालाइज कर सकता है। हमारा सबकॉन्शियस के पास तो अबंडेंट अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है, वो कहीं से भी कोई भी चीज़ ला सकता है। तो कोई चीज़ में ना फिक्स मत करो कि ये चीज़ ऐसे ही चाहिए या मुझे ये चीज़ खरीदनी ही है या ये चीज़ मुझे गिफ्ट में ही चाहिए। यू जस्ट फोकस ऑन द थिंग कि ये चीज़ चाहिए, बट वो कैसे आएगी वो नहीं सोचना है। बिकॉज जब कैसे हाउ पे हम सोचते हैं ना, तब हम वो इम्पॉसिबल में विश्वास नहीं करते, और मिरेकल्स तभी होते हैं जब हम इम्पॉसिबल में विश्वास करते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस को यू नो गाड़ी चलाने दे देनी है, स्टीयरिंग कॉन्शियस माइंड के हाथ में से लेके सबकॉन्शियस को देनी है। वो कैसे करेंगे कि जब भी आप कोई डिज़ायर सोच रहे हो ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इमीडिएटली आपका दिमाग ना वो पॉसिबिलिटी सोचने लगेगा। ओके ठीक है, अगर मुझे कोई कार चाहिए तो मैं कोई सेकेंड हैंड कार ले सकता हूँ, या फिर मैं नई कार खरीदूंगा तो इतना तो मेरा बजट ही नहीं है। तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो जो इतने टाइम से उसके अंदर नेगेटिव इनपुट्स हुए हैं, वो सारे के सारे नेगेटिव पॉइंटर्स आपकी तरफ कॉन्स प्रोज एंड कॉन्स होता है उसमें से कॉन्स सारे फेंकेगा। नहीं नहीं इतना बजट नहीं है, इतनी नहीं अपने ऐसी भी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, नहीं लेकिन नेक्स्ट मंथ तो घर लेना है। तो आपका वो जो बर्निंग डिज़ायर बर्निंग रहेगा ही नहीं, और जब बर्निंग डिज़ायर होता है तभी हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आई रियली वॉन्टेड टू डू दैट पॉटरी थिंग, यू नो मुझे मटका बनाने का बहुत अच्छा था, एंड आई वुड आपको मेरा मुँह देखना चाहिए था जिस टाइम वो पर्सन को मैंने वहाँ चौकी धानी में देखा ना मटके बनाते हो। आई वॉज लाइक आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज स्माइलिंग ईयर टू ईयर, इतनी बड़ी स्माइल थी कि अरे मुझे अभी ये करना मिलेगा। सो वो मेरी बर्निंग डिज़ायर थी, बट आई वॉज नॉट डेस्परेट, एंड इसलिए मैं उसको मैनिफेस्ट नहीं कर रही थी कि ठीक है कभी करेंगे। इट वॉज नॉट माई प्रायोरिटी, सो इट केम वेरी क्विक टू मी। सो एक और पॉइंट इसमें से निकलता है कि आप अगर कोई चीज़ को अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखोगे तो आपके अंदर डेस्परेशन होगा, इम्पॉर्टेंस ही नहीं देना है। मैंने मेरे एक और वीडियो में ऐसे एग्जाम्पल दिया है कि बड़ा गोल शायद मैनिफेस्ट क्यों नहीं होता, उसका वीडियो है, येस वो वीडियो का लिंक मैं आई कार्ड एंड डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, वो देखना कि क्यों हमारी स्मॉल डिज़ायर्स तो मैनिफेस्ट हो जाती है बट बिग डिज़ायर्स मैनिफेस्ट नहीं होती। बिकॉज हमने उनको बिग माना है ना कि ओके दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर प्रायोरिटी, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब उनको हम एकदम ऐसा मान लेते हैं ना कि ठीक है ये तो कोई हमारे घर में आने वाले कोई वर्कर के जैसे है, या फिर सोसाइटी में वॉचमैन के जैसे हैं कि वो अगर चले भी गए वो नहीं भी है तो हम दूसरे ले आएंगे, ठीक है इतनी हमारे मन में उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंस है ही नहीं। तो ऐसा होगा कि सबकॉन्शियस को लगेगा कि ये भी ठीक है ऐसी छोटी सी डिज़ायर ही है, कोई एक मेड आने जैसी, एंड देन उसको तो हम फुलफिल कर सकते हैं फटाफट। तो इम्पॉसिबल में बिलीव करना है एंड अपने डिज़ायर को इतना इंपॉर्टेंस देना ही नहीं है, प्रायोरिटी देनी ही नहीं है। सो आई होप ये जो तीन चार टिप्स मैंने दी मेरी स्टोरी में से, जो एकदम से ऐसे ही मैंने बस खुश होके कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, वो आपको पसंद आई होगी एंड आप उसको डेफिनेटली फॉलो करोगे। एंड फॉलो करोगे तो प्लीज़ अभी के अभी कमेंट डाउन करो कि येस आई एम रेडी टू फॉलो दीज टिप्स एंड मैनिफेस्ट माई डिज़ायर राइट नाउ। येस ऐसा चीज़ अफर्म करो कि मैं ये फॉलो करके अभी के अभी मेरा डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं रेडी हूँ वो मैनिफेस्टेशन के लिए, सो दैट यूनिवर्स तक वो सिग्नल पहुँचे कि येस you are on that frequency of happiness, of high vibration and manifestation. And जाने के पहले I would like to tell you कि मेरा एक और shorts का channel है जिसका नाम है भानुप्रिया कट्टा shorts, जहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे you know short videos डालती हूँ, inspiring, motivating, ऐसे ही content वाले, ऐसे ही knowledge वाले। तो please I would request you कि उस channel को भी follow करो, and हम लोग मिलेंगे next video में। till then keep smiling, stay happy, stay blessed and stay connected.